स्थित सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में 18 वार्षिक उत्सव सृजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये सृजन 2018 जो है एनुअल फंक्शन है, मनाया जाता है हर साल, जिसमें हम लोग सब बच्चे मिलकर आपस में ही हम लोग वो करते हैं, एक अच्छा फंक्शन करते हैं, जिसमें बच्चों को अपनी पढ़ाई से, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में, पढ़ने से थोड़ा थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, तो पढ़ाई के बाद में एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, खेलकूद भी ज़रूरी होता है, तो इसमें खेलकूद एंटरटेनमेंट सब मिलाकर बच्चों के लिए फुल ऑफ एन्जॉयमेंट है, और ताकि बच्चे अपने रेगुलर पढ़ाई से ऊपर उठ के अपना जो एक वो है लाइफ में अच्छा कुछ हासिल कर सकें, और खाली पढ़ाई में नहीं, खेलकूद से लेके ज़िंदगी के हर फील्ड में आगे बढ़ें। इसमें सब तरह तरह की प्रतियोगिता होती है जहां बच्चे जीतते हैं, और अपने कॉलेज में नहीं बाहर के कॉलेजों को भी इसमें इन्वाइट किया जाता है। 4 साल से आप इस इंस्टीट्यूट में हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? जी, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमारे यहाँ फैसिलिटियाँ बहुत अच्छी, फैकल्टी हमारे जो फैसिलिटी दी जाती है बहुत अच्छी दी जाती है, पढ़ाई जो कि बहुत अच्छे से होता है, सब कुछ नियम कानून से हमारे यहाँ होता है। इस साल आप जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी, अच्छा तो नहीं लग रहा है कॉलेज छोड़ के, मैं तब पर भी जाना में तो पड़ेगा। जी, बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, 4 साल हो गए हैं मुझे सरोज इंस्टीट्यूट में, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बचपन से रहा हूँ। आई मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं यहाँ से, खासकर यहाँ की फैकल्टी बहुत ही मोटिवेटिंग रही है, और यहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, हाई एंड लैब्स हमें अवेलेबल रही हैं हमेशा, और कभी भी टीचर्स ने बैकआउट नहीं किया है हेल्प करने से, तो बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, और सरोज से एक बहुत ही स्पेशल नाता जुड़ चुका है। निकलने के बाद आपका क्या प्लान है? एक्चुअली पहले तो निकलने के ख्याल से ही बहुत बुरा लगता है, बिकॉज बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, इतनी अच्छी फैकल्टी है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम आगे पढ़ने भी जाते हैं तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड अभी जैसे हमारे यहाँ जो ये इवेंट हो रहा है तो बहुत एंथुजियास्टिक हैं हम लोग, बहुत खुश हैं, इतने सारी चीज़ें होती रहती हैं, हमें स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, टेक्निकल हो, स्टडीज़ हो, हर फील्ड में बढ़ने का मौका दिया गया है। प्लेसमेंट्स की बात रही, वो भी हमें मिल रही है, सब चीज़ कंपनीज आती है, मतलब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं जो हमें यहाँ मिली ना हो, तो वी होप कि हमें फ्यूचर में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे और ऐसा ही कॉलेज मिले। सरोज एजुकेशन ग्रुप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिनाउंड ग्रुप है, जिसके कई कॉलेजेस हैं, और आज के दिन 29 मार्च को इसका इस्टेब्लिश हुआ था, इसका फाउंडेशन डे आज मनाया जाता है, और हमारे एक कॉलेज तो अलीगढ़ में है जिसका नाम सुजान सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है एंड मैनेजमेंट, उसके बाद वहाँ से इतना पॉपुलर डिमांड आई, लोगों की रिक्वायरमेंट उस ज़माने में थी, तो ये कॉलेज खोले गए थे। इसके साथ BBD और रामस्वरूप कॉलेजेस भी आए। हमारा कॉलेज जो है बेसिकली इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचेस में BTech कराता है, और कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें MTech कराता है। इसके अलावा हमारे फार्मेसी है और हमारे डिप्लोमा भी है। हमारा दूसरा कॉलेज जो है गोसाईगंज के पास है, जिसका नाम सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। इस कॉलेज का नाम सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, उसका नाम सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, और एक जो है लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है, दोनों एक ही वहाँ पर हैं गोसाईगंज के पास। तो हमारे यहाँ हर तरह की पढ़ाई की जाती है, और बच्चों को खास करके उनके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, या एक्सपर्ट बुला के यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से हमारे बच्चे जो है बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस हुए हैं। कोशिश ये रहती है कि ये क्वालिटी एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो मेंटेन रहे, और उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि ये बच्चे जो है मार्केट में उनको कम्पीट कर सकें IIT से, NIT से, तो इस तरह से उनको तैयार किया जाता है। और यहाँ के बच्चे निकल के हमारे एलुमनाई का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हमारा जो है ये इंस्टीट्यूट जो है ये एक्रेडिटेड है NOC से, और हमारा जो और कॉलेजेस हैं
वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरोज का को एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पेस भी है, रिक्वायरमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह हमारे फैकल्टी को सेमिनार सिंपोजिया में बाहर हम भेजते हैं, जहाँ पे जाके वो क्या नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या न्यू रिसर्च चल रहा है, इस सब पे वो काम करते हैं, देखते हैं, उसको यहाँ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे ले आएँ, उस पर काम करें। इसके लिए हम DST NRS से और HRD वगैरह से हमारा कॉन्टेक्ट है, हम वहाँ से प्रोजेक्ट के लिए सबमिट करते हैं, ताकि वहाँ से फाइनेंस के लिए, उसके दो फायदे हैं, एक तो हमारे नई टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं, दूसरे दूसरों बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जैसे RA का, SRF का, तो JRF का, तो इस तरह हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है।